गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर 2 ऑन चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. फर्स्ट मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड. नाउ सेकंड मेथड इज इनकम मेथड. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. क्योंकि इनकम में जो फैक्टर पेमेंट्स होती हैं उसके टर्म्स में नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ठीक है, किसको देते हैं हम ये फैक्टर पेमेंट? टू द ओनर्स. ओनर्स मीन्स हाउस होल्ड्स को, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हाउस होल्ड्स होते हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि जो हमारी ये है, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किसका देता है? लेबर का. रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्राइज. ठीक है ना, सो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो भी ये हमारी फैक्टर पेमेंट्स का टर्म्स में किस पेमेंट में निकलती है, किस टर्म्स में निकलती है? फैक्टर ऑफ पेमेंट्स. ठीक है, सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं. मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि डोमेस्टिक इनकम क्या होते हैं. जो भी हमारी फैक्टर इनकम होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम. आइदर दे कैन बी अर्न बाय रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स. ठीक है, द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एजेस टू द, जब डोमेस्टिक इनकम निकल जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं? फैक्टर पेमेंट को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम बन जाती है. क्योंकि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में जब हम अब्रॉड की इनकम को ऐड करते हैं तो दैट इज नेशनल इनकम. ठीक है, सो वट आर फैक्टर इनकम? सेकेंड है, ये हमारे नोट्स हैं इसका, नेक्स्ट टॉपिक है वट आर फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम्स क्या होता है? देखो, अ फैक्टर इनकम इज दैट इनकम अर्नड बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विस. एग्जाम्पल, वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. ठीक है, सो फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्नड बाय अ पर्सन एज अ रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज सर्विस. फैक्टर इनकम वो होती है जब हम कुछ काम करते हैं उसके, हमें उसके बदले में हमको जो पैसे मिलते हैं, जो इनकम आती है वो फैक्टर इनकम होती है. ठीक है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी फॉर हिज लेबर, रेंट फॉर हिज लैंड, इंटरेस्ट फॉर हिज कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर हिज एंटरप्रेन्योरशिप. हमें ये नोट करना है कि फैक्टर इनकम सिर्फ अर्नड इनकम होती है, जो कमाई हुई इनकम होती है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम विच इज़ नॉट अर्नड. इसमें कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं होता जो नॉट अर्नड रहता है. ठीक है ना, और जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया तभी भी हमारे पास इनकम आ गई. जैसे कमीशन, कमीशन के लिए हमने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया. जैसे पेंशन है, पेंशन ओल्ड एज पेंशन होती है तो हमारी ट्रांसफ़र इनकम में आती है, ट्रांसफ़र पेमेंट में आती है. ठीक है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट्स को ऐड नहीं करते, सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ही ऐड करते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम. फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेकेंड ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड है मिक्स इनकम. जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है इसमें आती है आपकी वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट्स इन हैंड, पेमेंट्स इन काइंड सॉरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और पेंशन इन रिटायरमेंट. देखो, जो वेजेस एंड सैलरी, इट रेफर्स टू कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय द एम्प्लॉयज़ एज अ विड. जो सैलरी है या तो हमें कैश पेमेंट मिलती है या फिर जो हमारे अकाउंट में आती है. ठीक है, वो हमारी किस में आती है? वेजेस एंड सैलरी में, वो इसमें ऐड होती हैं. ठीक है ना, पेमेंट्स इन काइंड मतलब इट रेफर्स टू बेनिफिट्स इन काइंड. इसका मतलब होता है जो भी, जैसे हम रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं एम्प्लॉयर्स के थ्रू. ठीक है, वो हमारा पेमेंट इन काइंड में आता है. पेमेंट मिल रही है लेकिन काइंड मतलब एक तरह से दया के उसमें मिल रही है कि भाई आपको, ठीक है आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आपको फ्री में अकोमोडेशन मिल रही है, रहने की सुविधा मिल रही है वहाँ पे. एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इट रेफर्स टू सच पेमेंट एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय. आपको पता है कि जब हम कहीं किसी कंपनी में या कहीं पे भी हम काम करते हैं, अगर हमारा पीएफ वगैरह कटता है तो जितना परसेंट एम्प्लॉयर का कटता है उतना ही परसेंट एम्प्लॉय का भी कटता है. ठीक है, सो पेंशन ऑन रिटायरमेंट, टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन. इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट्स इज अ पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय. ये ओल्ड एज पेंशन की बात नहीं कर रहे. पेंशन ऑन रिटायरमेंट मतलब ओल्ड एज पेंशन नहीं, कि जो पेंशन जब ओल्ड एज आते हैं तब जाके जो पेंशन मिलती है वो इंक्लूड नहीं होती, वो ट्रांसफर पेमेंट में आती है. ठीक है, इसका मतलब वो है कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि भाई हम तुम्हें इतनी पेंशन देंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के उसमें होता है, उसको हम पेंशन ऑन रिटायरमेंट.
सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में डिविडेंड आता है आपका, कॉरपोरेट टैक्स या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी लिखा रहता है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है, वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो हमें शेयर होल्डर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, सेकंड जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स है, ये दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं बाय वे ऑफ कौन से वे के द्वारा, प्रॉफिट टैक्स के थ्रू। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज रिटेन बाय द फर्म फॉर फ्यूचर यूज, पर्टिकुलरली द मीट, कोई भी हमारे एक्स्ट्रा जो हमारे फ्यूचर में जो खर्चे होंगे उसके लिए कंपनी अपने पास रख के रखती है, उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कंपनी अपने लिए रख के रखती है, कोई भी आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए उसको सेव रखते हैं, इसको कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है। जब हमें जैसे इनकम मेथड के थ्रू अगर हमें निकालना होता है ना नेशनल इनकम, तो जब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस, कई बार आपको लिखा रहता है ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू दिस, वैल्यू दी रहती है, लेकिन अगर आपको वैल्यू नहीं दी रहती है लेकिन आपको अलग अलग उसके पार्ट्स में दी रहती है कि डिविडेंड इतना है, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स इतना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इतना है, तो यानी कि आपको ऐड करने तब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा, तीनों की वैल्यू ऐड करोगे तब जाके आपका क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइज। मिक्स्ड इनकम मतलब खुद के एम्प्लॉयड पर्सन्स की अपनी लैंड होती है, लेबर कैपिटल होता है, दिस इनकम आर अ मिक्सचर ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्योंकि ये मिक्सचर होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिक्स इनकम। सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल। अलग अलग हम वेजेस निकालें या रेंट निकालें, इंटरेस्ट निकालें, तो ये पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर्ड और परचेज। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये हम परचेज नहीं कर सकते या हायर नहीं कर सकते मार्केट से। ठीक है, सो हमने जैसे पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट है देखो, अब आपको NDPFC यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट ये आपको गिवन है। अब आपको इससे क्या निकालना है, NNPFC। NNPFC मतलब नेशनल इनकम निकालना है। NNPFC मतलब मैंने नेशनल इनकम पहले ही बताया था, तो इसमें मेरे को क्या ऐड करना है, देखो N सेम है, PFC सेम है, आपको चेंज क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में, तो यानी कि उसमें ऐड कितना क्या करना पड़ेगा, जब मैंने बताया था डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, सो यू हैव टू ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और आपका नेशनल से में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NDPFC कैसे निकला, देखो NDPFC निकालने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, उसमें नेट फैक्टर इनकम को ऐड किया तो NNPFC आपके पास आ गया, दैट इज नेशनल इनकम आ गया। ठीक है ना, नाउ इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। देखो प्रिकॉशंस मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ कि प्रिकॉशंस क्या होते हैं इसमें, कि जब हम इनकम मेथड के थ्रू हम वो करते हैं, तो देखो इसमें प्रिकॉशंस क्या हैं, हमारा प्रिकॉशंस ये हैं कि ट्रांसफ़र अर्निंग जो होती हैं लाइक ओल्ड एज पेंशन है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है या स्कॉलरशिप है पॉकेट, ये सब इसमें इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ इसमें फैक्टर पेमेंट इंक्लूड होती है जो अर्नड इनकम होती है। ब्रोकरेज ऑन द सेल है, परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये रिवॉर्ड है फैक्टर सर्विस, उन्होंने काम किया तब जाके आपने उनको दिया। कमीशन पेड है वो भी आपका इंक्लूड होगा। ठीक है ना, इनकम टैक्स है वो भी वो ऐड नहीं होता, इनकम टैक्स जो ऐड नहीं होता, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्यों, क्योंकि उसमें से निकलता है वो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है देखो, इसके बेस पे आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, इनकम मेथड के एग्जांपल। गिवन द फॉलोइंग डाटा एंड यूजिंग इनकम मेथड कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP। आपको क्वेश्चन ये गिवन है, अब आपको निकालना है इसमें नेट डोमेस्टिक इनकम। नेट डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए मिक्स इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड की है प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आपको सारी वैल्यूज गिवन है उनको एडअप करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक। देखो नेट सा, तो इसमें ग्रॉस के लिए मैंने क्या बताया था कि डेप्रिशिएशन ऐड होता है, नॉन नेट डोमेस्टिक इनकम में डेप्रिशिएशन ऐड कर दो, डेप्रिशिएशन की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे, आपने वहाँ से क्या करना है उसको ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेट नेशनल इनकम।
तो नेट डोमेस्टिक इनकम में अब नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको क्या करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करना है, ठीक है। लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आपको यहाँ माइनस में दे रखी है, दैट्स वाई इट इज माइनस, ठीक है। उसके बाद एन एन पी एम पी निकालने के लिए नेट नेशनल इनकम जो थी उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करोगे, माइनस सब्सिडी करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, वैल्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑन दिस क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू डू वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए ये सारे मैंने पहले आपको लिखा चुकी हूँ, पहले वाले लेक्चर्स में सब बता रखे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।